नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के वी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी हाल ही में जो हमारी 3 महीने की पिछली की नियुक्तियां हुई हैं और प्रमुख चर्चित व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो कि ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। हमारी रेलवे की परीक्षा है, UP SSC और भी सारी परीक्षाएं, SSC GT की परीक्षा, ये सब होने वाली परीक्षाएं, इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों 1 या 2 प्रश्न कम से कम सभी एग्जामों में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बटन बगल में बनी नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे चैनल से जुड़ी आप लोगों को लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहली जो चर्चित व्यक्तित्व है, एस रमेश। जी हाँ, एस रमेश को क्या बनाया गया, केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, एस रमेश को केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और अगला है राहुल द्रविड़। जी हाँ, राहुल द्रविड़ काफ़ी चर्चा में रहे हैं, इन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और हमारा अगला है अंजोली एला मेनन। जी हाँ, ये चर्चा में रही हैं क्योंकि इन्हें इस वर्ष 2018 में कालिदास पुरस्कार सम्मान से नवाजा गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये अंजोली एला मेनन और राहुल द्रविड़। और अगला है रजत शर्मा। जी हाँ, रजत शर्मा को आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से, India TV की ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इन्हें दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन एसोसिएशन का नया क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है रजत शर्मा को। और अगला है न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। जी हाँ, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना दोस्तों 2010 में हुई थी। और अगला है दीपा कर्माकर। जी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, अभी प्रश्न पूछा भी गया था, UPSC ACF का मेंस हो रहा था एग्जाम, उसमें ये पूछा भी गया था कि कौन सी ऐसी पहली महिला जिमनास्ट है जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें दीपा कर्माकर हैं जिन्होंने जिमनास्टिक वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला पदक जीता है। और अगला है हिमा दास। जी, हिमा दास काफ़ी चर्चा में रही थी, इन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है और ये जूनियर एथलेटिक्स में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हिमा दास। जी हाँ, असम सरकार ने अभी हाल में अपना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है हिमा दास को। और अगला है नरसिम्हा रेड्डी। जी हाँ, नरसिम्हा रेड्डी को केंद्रीय प्रशासन अधिकरण का नया अध्यक्ष चुना गया है, नरसिम्हा रेड्डी। अगला है जोस एलाइडियो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत पाक में UN के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जोस एलाइडियो। आगे बढ़ते हैं, अगला है मुकेश अंबानी। जी हाँ, मुकेश अंबानी को एशिया का सबसे धनी व्यक्ति चुना गया था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मुकेश अंबानी। और अगला है एंजेली कार्बर। जी हाँ, एंजेली कार्बर चर्चा में क्यों रही हैं, क्योंकि इन्होंने विंबलडन महिला एकल खिताब 2018 का जो है जीत लिया है, एंजेली कार्बर। और अगला है लुका मैड्रिड। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी अभी रेलवे की परीक्षा चल रही, इसमें पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन सा था। जी हाँ, तो इसमें लुका मैड्रिड है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड दिया गया था। और अगला है अनिल डी सहस्रबुद्धे चर्चा में रहे हैं, इन्हें AICT यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का चेयरमैन बनाया गया है, अनिल डी सहस्रबुद्धे। और अगला है नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और ये एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक भी रहे थे और एशियन गेम्स में इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। और अगला है गोपाल दास नीरज। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, उत्तर प्रदेश से आते हैं गोपाल दास नीरज, ये हिंदी के बहुत ही विख्यात कवि थे, इनके भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और अगला है अक्षय कुमार। जी हाँ, अक्षय कुमार चर्चा में क्यों रहे हैं, अक्षय कुमार को फोर्ब्स की लिस्ट जारी की गई है जिसमें कमाई के मामले में टॉप 100 कमाई के मामले में कलाकारों की सूची जारी की गई, जिसमें अक्षय कुमार को 76वीं रैंक मिली है और इसमें सूची में सलमान खान भी शामिल है जिन्हें 78वीं रैंक हासिल हुई है। और अगला है सुनील छेत्री। जी हाँ, सुनील छेत्री को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब से नवाजा गया, ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। AIFF का फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब दिया गया है। और अगला है भरत वासवानी एवं सोनम वांगचुक। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्योंकि इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगला है गोपाल कृष्ण गांधी। जी हाँ, ये बड़पोते हैं महात्मा गांधी के, इन्हें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, गोपाल कृष्ण गांधी को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से नवाजा गया है। और अगला है एमर्सन
मनांगवा। जी हाँ, इन्हें रॉबर्ट मुगाबे के को हरा करके इन्होंने जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, एमरसन मनांगवा। और अगला है कैरोलिन मारिन। जी हाँ, कैरोलिन मारिन ने WBF यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले चर्चित व्यक्ति हैं KM जोसेफ, इंदिरा बनर्जी और विनीत सरन। जी हाँ, इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, KM जोसेफ, इंदिरा बनर्जी और विनीत सरन, इन तीनों लोगों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये तीनों जो है अभी मुख्य न्यायाधीश थे, इन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। अगला है M करुणानिधि। जी हाँ, ये काफ़ी चर्चित थे, दक्षिण भारत के एक DMK पार्टी के काफ़ी मतलब चर्चित चेहरे थे, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है M करुणानिधि की। और अगला है हरिवंश नारायण सिंह। जी, हरिवंश नारायण सिंह जो कि JDU से राज्यसभा सांसद भी हैं, इन्हें राज्यसभा के नया उपसभापति चुना गया है। और अगला है रेखा शर्मा। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई चेयरपर्सन किन्हें नियुक्त किया गया है? रेखा शर्मा को। और अगला है गीता मित्तल। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप लोग को इसको याद रखना है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की ये नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, गीता मित्तल। और अगला है मुकेश आर शाह। जी हाँ, मुकेश आर शाह को पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मुकेश आर शाह को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है सोमनाथ चटर्जी। जी हाँ, सोमनाथ चटर्जी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। जी हाँ, सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, इनकी मृत्यु हुई है हाल ही में। और अगला है बलराम दास जी टंडन। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, इन्हें अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। और छत्तीसगढ़ राज्य का अतिरिक्त प्रभार जो है ये आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं, इन्हें सौंपा गया है। और अगला है अक्षय कुमार। जी हाँ, काफ़ी चर्चा में रहे हैं ये, इन्हें सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारत सरकार द्वारा, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहे हैं। और इन्हें फोर्ब्स की टॉप 100 कलाकारों की कमाई की सूची में 6वां स्थान भी मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रमेश पवार। जी हाँ, ये क्यों चर्चा में रहे हैं? रमेश पवार को महिला हॉकी सॉरी हॉकी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, गलत लिख गया है, पे महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है रमेश पवार को। जी हाँ, महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है रमेश पवार को, इसलिए भी चर्चा में रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है अजीत वाडेकर। जी हाँ, अजीत वाडेकर जो है भारत के क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान रह चुके हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, अजीत वाडेकर। और अगला है स्कारलेट जॉनसन। जी हाँ, फोर्ब्स के मुताबिक शीर्ष भुगतान पाने वाली यानी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला अभिनेत्री हैं। जी हाँ, इन्हें ये कौन है? स्कारलेट जॉनसन फोर्ब्स के मुताबिक सर्वाधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री हैं। और अगला है निहाल सरीन। जी हाँ, निहाल सरीन चर्चा में क्यों रहे हैं? ये भारत के 53वें ग्रैंड मास्टर हैं, इसलिए चर्चा में रहे हैं। और अगला है इमरान खान, पाकिस्तान के जी हाँ नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं इमरान खान। इनकी पार्टी का नाम है तहरीक ए इंसाफ, तहरीक ए इंसाफ इनकी पार्टी का नाम है। ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, नवाज शरीफ इसके पहले प्रधानमंत्री थे, अब फिलहाल इमरान खान हैं। और अगला है मारिन अब्दो बेनिटेज। जी हाँ, ये पराग्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, मारिन अब्दो बेनिटेज। और अगला है कोफी अन्नान। जी हाँ, कोफी अन्नान जो हैं ये पूर्व UN के महासचिव थे रह चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रह चुके हैं, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, स्विट्जरलैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगला चर्चित व्यक्ति हैं, जी हाँ, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। जी हाँ, ये पूर्व आर्मी चीफ भी रह चुके हैं भारत के, इन्हें USA में संयुक्त राज्य अमेरिका में USA में लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। और अगला है झूलन गोस्वामी। जी हाँ, महिला क्रिकेट टीम का काफ़ी चर्चित चेहरा है झूलन गोस्वामी, इन्होंने अभी हाल ही में T20 से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और झूलन गोस्वामी सबसे तेज यानी 2 विकेट लेने वाली पहली विश्व की पहली वनडे में पहली विश्व की पहली जो है ये क्रिकेटर भी हैं। और अगला है कुलदीप नायर। जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकार थे, काफ़ी चर्चित पत्रकार थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है कुलदीप नायर का। और अगला है स्कॉट मॉरिसन। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया के वैसे प्रधानमंत्री जो हैं
इस ये चुने गए हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया से जो है ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ तो आप लोग इसको याद रखना है, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं। और अगला है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, यहाँ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को DRDO का नया अध्यक्ष चुना गया है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और इसरो का नया अध्यक्ष आप लोगों को पता ही होगा के सिवान, के सिवान जो हैं ये इसरो के नए अध्यक्ष हैं, और DRDO के नए अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला है सुनील मेहता, या इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA यानी कि IBA इन्हें इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है, सुनील मेहता को। आगे बढ़ते हैं आर माधवन, जी हाँ आर माधवन को HAL का नया अध्यक्ष चुना गया है, जी हाँ HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और अगला चर्चित व्यक्ति हैं ताहिरा सफदर, जी हाँ पाकिस्तान के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं ताहिरा सफदर, ये भी चर्चा में रही हैं। और अगला है रंजन गोगोई, जी हाँ ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का स्थान लेंगे रंजन गोगोई। आगे बढ़ते हैं रिकोको आईकी, जी हाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, रिकोको आईकी को एशियाई खेल 2018 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया है, ये जापान के हैं की हैं, इन्हें एशियाई खेल का 2018 का सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया। अगला है आरिफ अलवी, जी हाँ ये पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं आरिफ अलवी, ये भी चर्चा में रहे हैं। अगला है अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक के नए CEO, जी हाँ CEO नियुक्त किए गए हैं अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक का, दोस्तों आप लोग याद रखेंगे इसको क्योंकि रेलवे की परीक्षा में CEO काफ़ी पूछे गए हैं। अगला है नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका, जी हाँ US Open जो खेला गया अभी टेनिस का, उसमें ये विजेता रही हैं पुरुष और महिला वर्ग का नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका। और अगला है डेनियल झांग, जी हाँ डेनियल झांग जो है ये अलीबाबा के जो संस्थापक है जैक मा उनका स्थान लेंगे, ये अगले CEO होंगे डेनियल झांग। और अगला है तजिंदर मुखर्जी, जी नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं तजिंदर मुखर्जी। अगला है दिलबाग सिंह, जी हाँ दिलबाग सिंह को SP बैद की जगह पर जम्मू कश्मीर का नया DGP नियुक्त किया गया है, दिलबाग सिंह ये जम्मू कश्मीर के नए DGP होंगे। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को किन्हें नियुक्त किया गया, जी हाँ सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला है डॉक्टर राज नारायण शुक्ल, जी हाँ ये चर्चा में रहे हैं किस लिए, इन्हें उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर राज नारायण शुक्ल को। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो